मैंने लाइफ में कभी बिग बॉस एक एपिसोड नहीं देखा है मैं चाहती थी लोगों को पता चले कि जिग्ना वोरा कौन है मेकर्स का क्या एक्सपेक्टेशन था उसके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हम अपना नेचर नहीं बदल सकते क्या मैं ईशा जो कर रही है वो करूँ तो भी ट्रोल करते हैं आप लोग जैसे मनारा कपड़े पहनती है क्या मैं वो कपड़े पहनू समर्थ ने जो पोकिंग किया वो फेयर था क्या तो मैं भी अभिषेक और मुन्ना की बात आएगी तो मैं भी बायस ही रहूंगी और उसने अगर चुप हुआ नहीं कुछ बोला तो शायद हो सकता है वो नहीं चाहता ये सब गंदगी नेशनल टेलीविजन पे आए मुझे नहीं लगता जो भी उन दोनों के बीच में झगड़े हैं वो सही सच है गेम के लिए ही हो सकते हैं मैं चाहूँगी मुन्ना या अभिषेक में से कोई जीते हाय दिस इज जिग्ना वोरा हियर यू आर वाचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया थैंक यू आज हमारे साथ है बिग बॉस सेवनटीन की कंटेस्टेंट जिग्ना वोरा जिन्होंने घर में काफ़ी अच्छा गेम खेला लेकिन इनका सफर काफी कम रहा लेकिन जितना भी रहा बहुत अच्छा रहा तो चलिए इनसे जानते हैं आजकल क्या कर रही है हेलो जिग्ना जी कैसी हैं आप एकदम बढ़िया आप कैसे हो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है अच्छा बिग बॉस से बाहर आने के बाद कैसी आपकी लाइफ चेंज हुई क्या कुछ बदलाव हुआ ऐसा इतना कुछ बड़ा बदलाव नहीं हुआ है हाँ अभी जहाँ जहाँ जाती हूँ लोग पहचानने लगते हैं तो वो एक बदलाव हुआ है अदरवाइज रूटीन तो वो ही है मैं मेरा एस्ट्रोलॉजी करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ मैं मेरे क्लाइंट्स वही सब चलता रहता है प्लस ये सारे इंटरव्यूज लेकिन बिग बॉस से बाहर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा नेम फेम तो आपको मिला होगा क्योंकि जहाँ भी जाती होंगी बोलती होंगी बिग जिंग हो ये बात मानती हूँ बहुत नेम हुआ और फेम भी मिला लोग पहचानने लगे हैं कहीं पे भी जाओ मॉल जाओ जो काम दस मिनट में होता है उसमें मुझे दो घंटे लगते हैं सब रोक देते हैं सब रोक देते हैं अच्छा आपने क्या सोच के मतलब एंट्री की थी बिग बॉस सेवेंटीन में आपने कुछ तो माइंड जब आपको ऑफर आया होगा कुछ तो सोचा होगा कि जाने के बाद मैं ये करूँगी नहीं फ्रेंकली कुछ नहीं सोचा था मुझे मैंने लाइफ में कभी बिग बॉस एक एपिसोड नहीं देखा है फ्रेंकली बोल रही हूँ इसीलिए आप लोग को देखा भी होगा मैं गेम के हिसाब से खेल ही नहीं रही थी मैं जैसी हूँ मुझे मेरी जब वेब सीरीज़ आई थी बाहर सबने वो किरदार में एक्ट्रेस को देखा तो मैं चाहती थी लोगों को पता चले कि जिगना वोरा कौन है रियल जिगना वोरा कौन है और मैं जो भी फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री डेज डेज रही छः हफ्ता मैं रियल ही रही शायद लोग बोलते मैंने कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया बट आज अभी जो कुछ हो रहा है बिग बॉस में अच्छा है मैंने वो कुछ नहीं किया जिस तरह से बिग बॉस उन्हीं लोग को लाते हैं जो थोड़ी बहुत जिनकी कॉन्ट्रवर्सी लाइफ जुड़ी रहती है तो मेकर्स ने भी सोचा होगा कि जिगना वोरा द जिगना वोरा नाम बहुत है तो कुछ तो अंदर जाएंगी ऐसा कुछ तो करेंगी कि उनकी टीआरपी उछाल हो जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपको ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से कुछ कमी रह गई नहीं मेकर्स का क्या एक्सपेक्टेशन था उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम अपना नेचर नहीं बदल सकते हैं और मैंने मैं जो हूँ मैं वैसी ही रही लोग बोलते हैं रोती है रोती तो अभी मुनावर नहीं रो रहा है क्या अभिषेक नहीं रो रहा है क्या तो रोना क्या वीकनेस है क्या ऐसा नहीं होता है लाइफ में आज मैं नेक्स्ट मंथ फिफ्टी ईयर्स हो जाएगी तो लोग बोलते हैं कि अरे रिंकू और जिगना जी दो बुढे लोग को लेके आए तो जाओ आप लोग वहाँ तक पहुँचो तो सही ये बोलने की बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग बहुत बोलचस् बोल सकते हैं बोलने वाले जो आपके लैंग्वेज में ट्रोलिंग बोलते हाँ। हैं बट मुझे नहीं लगता मैं जैसी हूँ मैंने सच में वैसी ही रही हूँ आपकी तहलका और अरुण से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी लेकिन जाते जाते कुछ खटास आ गया था अरुण के साथ आपके रिश्ते में उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था आपको उम्मीद नहीं थी कि वो कर देंगे तो बिग बॉस में ऐसा होता है कि जब मौका मिले कोई भी किसी का गला काट सकता है सही बात है अरुण का मुझे नॉमिनेशन का वो तो पता है नॉमिनेशन एक प्रक्रिया है आज नहीं तो कल करना ही था लेकिन जो अरुण ने रीज़न बोला था वो गलत था कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ मैं सिर्फ रिंकू जैसे वो गलत था हालांकि वो खुद नहीं बात करते थे किसी से वो स्टेज पर वो हर तहलका दोनों आपस में ही रहते थे तो वो सबने देखा भी होगा बाहर मुझे उसका रीज़न बुरा लगा था और कुछ नहीं बुरा लगा जब आप घर के अंदर थे तो आपने कहा ना ट्रोलिंग आप लोग के शब्दों में तो काफ़ी बाहर ज़्यादा ट्रोल भी हो रहा था कि जो जिग्ना जी अपने इमेज को छुपाने की कोशिश कर रही हैं इसलिए वो उभर के खेल नहीं रही हैं काफ़ी चुप चुप रहती हैं आप क्या एक्सपेक्ट करोगे पचास साल के उम्र में लोग क्या एक्सपेक्ट करोगे क्या मैं ईशा जो कर रही है वो करूँ तो भी ट्रोल करते हैं आप लोग कि ये एज में ये औरत ऐसा कर रही है जैसे मनारा कपड़े पहनती है क्या मैं वो कपड़े पहनूँ तुम आज जो लोग चिल्ला रहे वो लोग अंकिता हो या कोई भी हो मैं अंकिता से कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐश्वर्या हो कोई भी हो जो वो लोग हर एक की अपनी गेम होती है तो क्या ये मेरा रियल नेचर ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं शांत हूँ नहीं हो सकता है क्या ऐसा तो जो ऑडियंस की कंप्लेन थी कि आप स्टैंड नहीं ले रही हैं ऐसा कुछ वो दिखाया नहीं है ना तो उसमें मैं क्या बोलूँ स्टैंड जहाँ मेरी जरूरत थी खानजादी के साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ था मैंने खानजादी का साइड लिया था मनारा के साथ प्रॉब्लम हुआ खानजादी का मैंने मनारा का स्टैंड लिया था अभिषेक के साथ खड़ी थी तो जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मुनावर के साथ इमोशनल अटैचमेंट था तो लोगों के हिसाब क्या रियलिटी शो से स्टैंड लेना है अब कौन क्या कर रहा है क्या आप लोग मुझे वैसे दिख पाते जैसा आयशा के जैसे भी ये करूँ क्या ऐसा नहीं होता है हर कोई लोग अपना एजेंडा लेके जाते हैं मेरा कोई एजेंडा नहीं था मैं ये अपना अपना पल्लू सेव करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ बट ये सच है कि मैं ऐसी ही हूँ लोगों को ऐसा लगता है मैं कुछ खेली नहीं मैं रियलिटी शो के लायक नहीं हूँ तो वो उनका प्रॉब्लम है मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें रिंकू जी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती थी तो आपको लगा था कि ये इतने लंबे टाइम तक जाएंगे जब आपका एविक्शन हुआ तो आपको क्या लगा अनफेयर था नहीं ऐसा नहीं लगा मैं इनफैक्ट अच्छा था कि चलो मैं तो कुछ नहीं खेल पाई वो तो कर पाएंगे कुछ सो इट वॉज सी प्योर मैंने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए अंदर और जो आज भी अब तक तो है ही वो रिश्ते चाहे वो रिंकू जी हो नील हो ऐश्वर्या हो मुन्ना आएगा अभिषेक आएगा मैं सबको बोलती हूँ हमारा बिग बॉस सेवेंटीन पॉइंट फाइव ग्रुप है तो घर के अंदर ही बना था कुछ भी एक दूसरे से बात करती थी तो हम लोग बोलते थे सेवनटीन पॉइंट फाइव में आना तो वो हमारा रात का टाइम हुआ करता था मैं और रिंकू जी साथ में एक बेड पे सोते थे तो सब बच्चे लोग हमारे पास आ वो भाई से भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे इंसान है वो आई एम वेरी हैप्पी बहुत अच्छे रिश्ते बनाए मैंने इन दिनों जिस तरह से गेम दिखाया जा रहा है अभिषेक ने समर्थ को थप्पड़ मार दिया था खबर आ रही समर्थ आउट भी हो चुके हैं अभिषेक को बाहर भेजा फिर उनको अंदर बुलाया तो आपको कहा किस हद तक ये सही लग रहा है जो दिखाया जा रहा है अभी जो थप्पड़ कांड हुआ लेकिन क्या फेयर था उनको अंदर बुलाना अभिषेक को तो समर्थ ने जो पोकिंग किया वो फेयर था क्या आप किसी इंसान को सी जैसे बिग बॉस बोलते हैं ना वो बायस्ड है इस सीजन डंके की चोट पे तो मैं भी अभिषेक और मुन्ना की बात आएगी तो मैं भी बायस्ड ही रहूंगी तो ये क्वेश्चन तो मुझे ना ही पूछो तो अच्छा है बट किसी इंसान को वो लेवल तक मत लेके जाओ कि वो ऐसा कदम उठाने पे मजबूर हुए हर एक का मेंटल स्टेट अलग अलग रहता है वो ईशा या समर्थ की मम्मी बोल रही थी दोनों में से एक की अरे मेंटल प्रॉब्लम था वीक था तो बिग बॉस में गया क्यों तो, तो आपको भी पता था ना उन लोगों को भी कि अभिषेक आ रहा है तो क्यों भेजा ईशा को बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकता है सबको ही बोल सकता है बट सोच समझ के बोलना चाहिए किसके बारे में आप क्या कैसे बात कर रहे हैं जिस तरह से मुनवर का रिश्ता दिखाया जा रहा है आयशा खान एंट्री ली काफ़ी कुछ उन पर एलिगेशन लगाया डबल ट्रिपल डेटिंग का काफ़ी टूट गए अभी एपिसोड में दिखाया गया कि मुनावर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने आयशा के साथ गलत किया माफ़ी मांगी नाजिला ने मुझे चीट किया इसलिए मैं आयशा के पास आया तो इस पर आपका क्या कहना होगा वेट करना चाहिए मुनवर का बाहर आने का और उसके मुंह से मैं मैंने कल ही स्टोरी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम पे कि मुन्ना आई एम वेटिंग फॉर यू आई वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू मैं आज ये पड़ाव पे हूँ ना मेरी लाइफ के ये एज है मैं मेच्योर्ड हूँ मैं आप मुझे बोलोगे उस पर मैं बिलीव नहीं करूँगी अगर मुन्ना बोलता है नहीं जो आयशा बोल रही है वो ही है तो मुन्ना ने गलती की है यस आई अग्री टू इट बट सामने वाले को भी मौका देना चाहिए उसको भी सुनने हमको उसका भी सुनना है लेकिन घर वालों ने कल के एपिसोड में उनको मौका दिया उन्होंने अपनी बात रखी लेकिन जब आयशा एलिगेशन लगाने लगे तो वो चुप हो गए उनके पास कोई शब्द नहीं था एक्सप्लेन करने के लिए उनकी तबीयत खराब हो गई तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है घर वालों को कि ये मुन्ना गलत है वो घर वाले तो कौन से घर वाले सही है अंदर कौन एक बंदा सही है बताओ मुझे अंकिता से चालू करो विक्की का बोलो कौन एक बंदा सही है जो आज तुम दूसरों पे उंगली उठा रहे हो तो कौन सही है मैं सत्रह लोग में से हमारा सबसे रिश्ता अच्छा नहीं होना, हो सकता है उसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं अंकिता से मेरा रिश्ता अंकिता ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया और मुझे भी उसका उतना ही रिस्पेक्ट है बट खुद के अपने देखो हम क्या है ये देखो आप और उसने अगर चुप हुआ नहीं कुछ बोला तो शायद हो सकता है वो नहीं चाहता ये सब गंदगी नेशनल टेलीविजन पे आए ऐसा भी हो सकता है वेट करो उसको बाहर आने को बाद में देखेंगे क्या है अंक फैमिली वीक शुरू है अंकिता विकी की मम्मी आई विकी की मम्मी बहुत कुछ अंकिता को कहा और बाहर आने के बाद काफ़ी मतलब अंकिता के खिलाफ उनका इंटरव्यू पूरा रहा काफ़ी ज़्यादा वो ट्रोल भी हो रही हैं और अब अंकिता ने कहा है विकी मैं ही गलत दिख रही हूँ ऐसा नहीं कि हमें ब्रेक लेना चाहिए बातें फैल रही है बाहर आने के बाद उनका रिश्ता काफ़ी ख़राब हो जाएगा मुझे नहीं लगता बाहर आने के बाद उसका उनका रिश्ता खराब होगा मुझे नहीं लगता दोनों बहुत मेच्योर्ड है हो सकता है ये गेम की स्ट्रेटजी हो सिंपथी चाहिए और तो कुछ ना कुछ तो गेम में बीस दिन टिके रहना है ना मैं ये खुल के बोल रही हूँ मुझे नहीं लगता जो भी उन दोनों के बीच में झगड़े है वो सही सच है गेम के लिए ही हो सकते हैं चाहे इसके लिए मुझे लोग ट्रोल करेंगे यस आई डोंट माइंड दैट बट अंकित विक्की की माँ ने जो बोला वो गलत है चाहे अंकिता कुछ भी गेम खेल रही है वो गेम है बट किसी लड़की के बारे में उसकी माँ को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ये मेरा भी मानना है उसकी जगह पे अंकिता की माँ ने बहुत डिग्निफाइड तरीके से बातें की है बहुत ग्रेसफुल लेडी है वो हेड्स ऑफ टू हे, हर शायद लड़की की माँ है ये दिखता है कहीं ना कहीं वो डर रही थी कि मैं कुछ मैं बोल दूंगी मैं खुद गुजरी हूँ मेरे ससुराल में मेरी माँ कुछ नहीं बोल पाती थी तो बट हेड्स ऑफ टू अंकिताज मदर के उन्होंने कभी विक्की अंदर रह के उन्होंने तो विक्की पे कुछ नहीं एलिगेश किया ये मजबूरी है लड़की की माँ की शायद बट जो अंकिता और विक्की के बीच में हो रहा है कर रहे है वो सब मुझे नहीं लगता वो सच है जितना अभी गेम चला आपने देखा होगा फॉलो किया होगा घर में रही आप तो बहुत करीब सुन लोग जानती है कौन जीत सकता है बिग बॉस सेवनटीन वो तो बिग बॉस बता सकते हैं मैं नहीं बता सकती बट हाँ मैं चाहूँगी मुन्ना या अभिषेक में से कोई जीते बट हो सकता है बिकॉज अंकिता की भी है चांसेस देखते थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए